श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। आज के दिन का संवाद शुरू हो इससे पूर्व आप सभी मेरे भाई बहनों का इस ज्वलती व्यासपीठ के साथ जुड़ने के लिए निमंत्रण स्वागत मेरा प्रणाम जय सियाराम। आज विनायकी चौथ है जिसको गणेश चौथ कहते हैं, गणेश चतुर्थी कहते हैं। वैसे पूरे देश में और विदेश में भी जहाँ जहाँ वैदिक और सनातन धर्म के आश्रय में मंगल जीवन जीने वाले और विश्व के मंगल के लिए निरंतर सद्भाव रखने वाले लोग गणेश उत्सव तो भाद्रपद में मनाते हैं, भाद्र शुक्ल पक्ष में हम मनाते हैं और अनंत चतुर्दशी को फिर गणेश पूजा का समापन करते हैं। और ये बात तो है ही, लेकिन हमारे इस विस्तार में सौराष्ट्र में इतना भूभाग में सौराष्ट्र कच्छ गुजरात खबर नहीं कहाँ कहाँ, लेकिन यहाँ तो वैशाख शुक्ल चतुर्थी आज के दिन को ही गणेश चौथ मानते हैं देहाती हम सब। आज के दिन सबके घर में गणेश जी होते हैं, लोग उसको स्नान कराते हैं, सिंदूर लगाते हैं, चूरमा के लड्डू धराते हैं भोग में, ये सब यही विश्वासपूर्वक विधि करते हैं। गांवों में जो उत्सव जो 70 साल पहले जो जिस उम्र से मुझे याद है, 70 साल पहले या थोड़ा बहुत, वो ऐसे इन त्योहारों की विधि केवल विश्वास ही विधि था, बस इतना करते। मुझे वो बचपन याद आ रहा है कि ये अखात्रीज और गणेश चौथ के दिन हम बच्चे बचपन में ये बड़े बड़े बटके या किसी भी पेड़ होते वहाँ रस्सी लटका कर झूले बना करके झूलते थे, बड़े बड़े झूले डालते थे, ये उत्सव था हमारा। और आप हिंदी में मैं कैसे समझाऊँ, ये जो बांस होता है उसकी एक खपाट एक भाग थोड़ा एक टुकड़े से फीट सवा फीट का लेकर उसको रंधा मार के एक एक छोड़ एक उसके एक में छिद्र करके डोरी लगा करके उसको हम घुमाते थे, इसमें से एक विशिष्ट आवाज़ आती थी, बम्बोड़ो कहते थे उसको, बजाते थे, बस यही उत्सव था, झूले झूलना
और ये मानो एक वाद्य उत्सव के लिए, ऐसा आज दिन है गणेश चौथ, जिसको सभ्य भाषा में विनायक चौथ कहते हैं, विनायक चतुर्थी कहते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे भाई बहन आप सभी को इस गणेश चौथ, गणेश चतुर्थी, विनायकी चौथ, विनायक चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। खुश रहो बाप, खुश रहो। और खास करके आज के दिन को विनायकी चौथ बताया है। हम सब जानते हैं भगवान गणेश के जो 12 प्रसिद्ध नाम हैं, इनमें एक नाम है विनायक। विघ्न नाशो विनायको मृकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन, ऐसा पाठ हम पढ़ते रहते। तो गणेश का एक नाम विनायक है। विनायक का एक अर्थ ये होता है बाप, वी का अर्थ होता है विघ्न और नायक मानी अगवानी लेने वाला। विघ्नों के जो नायक है, जैसे एक ग्रुप होता है, एक टुकड़ी होती है, उसका कोई नायक होता है। नायक का मतलब यह है कि जिस ग्रुप का, जिस मंडली का, जिस टुकड़ी का जो नायक है, उसके अंडर में सब होते हैं। वो कहे कि बैठ जाओ, बैठ जाएंगे, उठो, उठ जाएंगे। पूरा कंट्रोल, पूरा अनुशासन उस नायक का होता है। जब गणेश जी का विनायक नाम है, इसका मतलब हुआ ये विघ्न जितने हैं दुनिया में, जिसको हम विघ्न कहते हैं, बाधाएं कहते हैं, समस्याएं कहते हैं, प्रतिकूलताएं कहते हैं, असमय कहते हैं, कुसमय कहते हैं, ये जितने प्रकार के हो, इन सभी विघ्नों का जो नायक है वो भगवान गणेश है। आप कहेंगे कि गणेश जी विघ्नों के नायक, हाँ यही स्पष्ट अर्थ है। इसका मतलब ये नहीं कि गणेश जहाँ जहाँ नायक जाए उसके अनुगामी ग्रुप भी उसके पीछे चले, ऐसा अर्थ नहीं कि गणेश आया तो विघ्न आए, सब विघ्न आए, ऐसा अर्थ नहीं। मैंने इसीलिए स्पष्ट किया कि विघ्नों के ये नायक है, इसका मतलब ये हुआ कि समस्त विघ्नों के नायक होने के कारण सभी विघ्नों पर गणेश का कंट्रोल है। विघ्नों से, विघ्नों को अपनी मनमानी नहीं करने देते। उसको कंट्रोल में रखते हैं। तो जो समस्त विघ्नों को कंट्रोल में रखकर वश में रखकर हमारे जीवन से विघ्नों की निवृत्ति करता है, ऐसा कोई आगेवान है, नायक है, वो हमारे सनातन धर्म में भगवान गणेश है। आप रामचरितमानस और विनय पत्रिका दोनों में लीजिए,
गोस्वामी जी रामचरित मानस के प्रारंभ में और विनय पत्रिका के प्रारंभ में भी गणेश की जब वंदना करते हैं तो विनायक नाम का ही उपयोग कर रहे हैं। विनायक का एक अर्थ ये भी मैंने सुना, जो विशेष प्रकार के नेता है, विशेष प्रकार के नायक है। बाप तलगाजरड़ा का अर्थ सुनिए, विनायक का अर्थ ये है जो नख शिख विशुद्ध नायक है, दंभ रहित, कपट रहित, छल रहित। नख शिख एक विशेष प्रकार का नायक है, विशुद्ध नायक है। विनायक का एक तीसरा अर्थ है जिसमें विवेक भरपूर है, वो विनायक है। जो स्वयं दूसरों के लिए विनोद का केंद्र बनकर दूसरों को मनोरंजन प्रदान करता है, जिसमें ऐसा दूसरों को आनंदित करने का एक विनोद है, विनोद वृत्ति है, उसी को भी विनायक कहते हैं। मैं तो वहां तक कहूंगा बाप कि गणेश जी का पेट लंबो उदर है, बड़े उदर वाले हैं, लेकिन वो संग्रहखोर नहीं है, ये विरागी है। यहां वी का अर्थ विराग भी किया जा सकता है, वैराग्य में, विराग में, त्याग में भी वो अगवानी करता है, नायक है, श्रेष्ठ है, शिरोमणि है, मुकुट है। वी माने विचार, गणेश विचारक है। विनय पत्रिका में तो कहते हैं बुद्धि विधाता, आप बुद्धि के विधाता है, विचारों के दाता है, आप में सर्वोच्च विचार है, आप विचारशील है, विचारवंत है। तो ये विनायक जो शब्द है, कई अर्थ लिए हुए बैठा है। गणेश के 12 नाम है, गजानन, गणपति आदि आदि। लेकिन गोस्वामी जी यहां प्रधान रूप में विनायक नाम पसंद कर रहे हैं। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वि का अर्थ होता है विद्वता। गणेश जी बहुत विद्वान है, व्यास जी समाधि भाषा में ग्रंथ का वो उच्चारण किए जा रहे थे मंत्रों का, और गणेश जी लिखते थे। विद्वान के बिना एक कार्य असंभव है, ये उपाधि की भाषा नहीं थी, ये व्याधि आदि की भाषा नहीं थी, ये समाधि की भाषा थी। समाधि का अर्थ है जिसकी कोई भाषा नहीं, कोई लिपि नहीं,
ऐसी अगम अगोचर भाषा, उसको एज इट इज लिखना, ये विद्वता के लिए बिना संभव नहीं। तो विनायक का अर्थ जिसमें विद्वत्व विशेष है, बड़ा है, समस्त विद्वता के वो मालिक है। कितने अर्थ कहूं? वी का एक अर्थ आप लगा सकते हैं। ये सरल करने के लिए कह रहा हूं। मेरे युवान भाई बहन, आज के भाई बहनों को गणेश ज्यादा समझ में आए इसीलिए कह रहा हूं। ये विद्या के नायक है, अध्यात्म विद्या, योग विद्या, वेद विद्या, लोक विद्या, जितनी भी विद्याएं हैं उसके भी वे नायक हैं। इसलिए तो विनय पत्रिका में कहा, विद्या वारिधि, आप विद्या के समुद्र है। तो बाप कई रूप में, वो बहुत विनयशील है इसीलिए भी विनायक है। जो आदमी कभी भी किसी से कारण हो और कारण न हो, किसी भी परिस्थिति में विवाद में न उतरे, वो विनायक है। ये जगत है, माइक जगत है, सम संसारी लोग हैं साहब। कारण हो तो लोग विवाद में उलझ जाते हैं, विवाद को और उलझाते हैं। लेकिन जो विनायक है, वो विवाद से दूर रहता है। हमारी श्रद्धा ऐसी कहती है कि गणेश जी का स्मरण करके हम काम का आरंभ करें तो कार्य में सफलता मिलती है, विजय प्राप्त होता है। इसका अर्थ, विनायक का अर्थ, वी का अर्थ, यदि विजय के प्रति उसका संकेत हो तो समस्त विजयों का भी वो नायक है। देखो, गणेश कोई भी कार्य में हमारी सफलता नहीं करता, लेकिन सर्वदा हमारे कार्यों की सफल बनाएंगे, विजयी बनाएंगे हमें। लेकिन उसके लिए शब्द है, शुभ कार्येषु सर्वदा। यद्यपि हम बोलते हैं सर्व कार्येषु, हम तो अपना हेतु, कोई भी कार्य करे, हे गणेश इसमें कोई विघ्न ना आए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये भी पाठ है, तलगा जड़ा की श्रद्धा है, सर्व कार्येषु नहीं, शुभ कार्येषु सर्वदा। सच्चा नायक ये है साहब कि सब तरह की सुविधा हो और हमारे साथ चले, ये तो है ही। लेकिन जब हमारा विपरीत काल हो, बहुत विपरीत समय चलता हो, तब भी हमारा नायक बन करके हमारे साथ साथ चले, वो विनायक है। विषम परिस्थिति में हमें छोड़े ना,
वो विनायक है। सर्जन तो पितामह ब्रह्मा के हाथ में है, विसर्जन पिता महादेव के हाथ है। जो इस संसार को विघ्नों से मुक्त करके विभव करता है, पालन करता है, संभालता है, वो विनायक है। विभव का अर्थ, भव का अर्थ है पैदा करना, विभव का अर्थ है परिपालन करना, पराभव का कारण है विसर्जित करना। ये मानस शब्दकोश के शब्द है, भव भव विभव पराभव कारिणी। तो विभव का भी ये नायक है, विषम परिस्थिति में भी हमारा नायक, और विभव हमारे परिपालन में भी वो हमारा नायक है, हमारा मुखिया है। कितने अर्थ लगाऊं बाप, वी एक अक्षर का अर्थ विश्व कर लो। गणेश जी विश्व के नायक, विनायक। आप कहेंगे कि विश्व के नायक, हाँ। आप गणेश की मूर्ति को न माने, गणेश के रूप स्वरूप को न स्वीकारे, गणेश की पूजा न करे, आपका आपकी आपकी साधना का पंथ बिलग है, आपके ग्रुप का, आपके मजहब का नाम बिलग है, जो हो मुबारक। लेकिन आपको याद है, आप जो भी मंगल कार्य का आरंभ करते हैं उसी को गणेश कहते हैं। कोई भी मंगल कार्य का आप आरंभ करें वो गणेश है। जैसे लोग कहते हैं हमने दुकान का श्री गणेश किया, हमने फैक्ट्री का आज के दिन श्री गणेश। आपको गणेश को लगाना ही पड़ेगा। मंगल कार्यारंभ गणेश है, दुनिया में कहीं भी होता हो। इसलिए तलगाजरड़ा कहना चाहेगा विश्व नायक है। क्यों गोस्वामी जी विनय पत्रिका के पद में कहते हैं, गाइए गणपति जगवंदन। ये जगवंद्य है, जगतवंद्य है गणेश। ये विश्व नायक है, विश्व नेता है, विश्व विग्रह। कई अर्थ ये विनायक शब्द ब्रह्म में समाहित है, जहां तक गुरु कृपा से मेरी दृष्टि। ऐसे मंगलानांच कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। आज वो विनायक की चौथ है, इसलिए मैंने सोचा कुछ हम सब मिलकर ये जगतवंद विनायक, उसका हम गुण संकीर्तन करें आज के संवाद में। साहेब, गणेश का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब बिलक बिलक कथाएं। कई कथाएं परस्पर विरोधी भी है। इन कथाओं में
गुरु कृपा से हमारी व्यास और समास दृष्टि के विवेक से ही निर्णय लिया जाता है। ये बहुत बड़ा प्रकरण है। हमारे गुजराती भजनिक तो कहते हैं अंगना अंग के मैल से गणपति बनाया गया। जो भी हो खबर नहीं, लेकिन आज विनायकी चौथ होने के कारण विनायक चतुर्थी के दिन विनायक शब्द को केंद्र में रखते हुए हम संवाद कर रहे हैं। गणेश के भिन्न भिन्न रूप, उसकी भिन्न भिन्न कथाएं, कल्प भेद से हो, युग भेद से हो, काल भेद से हो, स्वभाव भेद से हो, श्रद्धा भेद से हो, रुचि भेद से हो, मुबारक। लेकिन ये विनायक शब्द जो है आज के तिथि के साथ, विनायक रूपी गणेश का जन्म कैसे हुआ? मैं फिर आपको लिए चलूं विनय पत्रिका के श्री गणेशी पद को, पहला पद विनय पत्रिका में, जैसे मानस का पहला श्लोक मंगलाचरण का प्रथम सोपान का, वंदे वाणी विनायको। विनय पत्रिका के प्रथम पद में गोस्वामी जी कहते हैं गाइये गणपति जगवंदन। आप गणों के पति हैं, उसका गायन कीजिए। गोस्वामी जी निमंत्रित करते हम सबको, जो जगत वंद्य है गणेश। शुभ, फिर से एक बार क्लियर करूं, शुभ किसी भी काम की शुभ शुरुआत, मंगल कार्य की शुभ शुरुआत, जिसमें हमारे लाभ की वांछा प्रथम न हो, विश्व के शुभ की वांछा प्रथम हो, ऐसा कोई भी कार्यारंभ गणेश है। गाइए गणपति जगवंदन। अब उसका जन्म, विनायक का जन्म जो यहां गोस्वामी जी बताते हैं वो बिलग है। शंकर सुवन भवानी के नंद। खास शब्द का प्रयोग है यहां, सुवन मानी पुत्र, सूत। आप शंकर और भवानी के पुत्र हैं। आखिर में इस पंक्ति में नंदन शब्द, नंदन शब्द भी पुत्रवाचक है, जैसे दशरथ नंदन, कौसल्या नंदन, यशोदा नंदन, नंद नंदन। लेकिन नंदन का अर्थ बेटा भी होता है। नंदन का मूल जो मूल अर्थ है वो तो आनंद देने वाला। दशरथ नंदन का अर्थ है दशरथ को आनंद देने वाला। देवकी नंदन का अर्थ हमारे स्तोत्र में स्पष्ट आया, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। नंदन का अर्थ है आनंद देने वाला। सुवन का अर्थ है पुत्र। आप शंकर और भवानी के पुत्र हैं। यहां शंकर और भवानी शब्द का प्रयोग, शंकर और पार्वती शब्द का नहीं,
कालिदास तो जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर, पार्वती परमेश्वर, उमा महेश, उमा महेश्वर। यहां गोस्वामी जी खास शब्द का चुनाव करते हैं, शंकर सुवन भवानी नंदन। आप शंकर और भवानी के पुत्र हैं। क्या मतलब? गुरु कृपा मुझे बोलने के लिए प्रेरित करती है। शंकर और भवानी, मानस के अर्थ में आप तुरंत जान जाएंगे कौन है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास अरूपिणा। शंकर और भवानी श्रद्धा विश्वास के रूप है, गणीभूत रूप। और विनायक तत्व जो है, जिसकी मैंने अभी लंबी थोड़ी संक्षिप्त व्याख्या कर दी, विनायक तत्व जिसकी बड़ी मैंने एक एक वाक्य में चर्चा की। विनायक गणेश श्रद्धा और विश्वास से प्रकट होता है। श्रद्धा और विश्वास का सुवन है विनायक। और नंदन का अर्थ है शंकर और पार्वती को निरंतर आनंद देने वाले शंकर और भवानी के आप पुत्र हैं, श्रद्धा और विश्वास के आप पुत्र हैं विनायक के रूप में। गाइए गणपति जग वंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, नाम आया विनायक। सिद्धि विनायक हम गणेश को कहते हैं। सिद्धि विनायक गणेश की बड़ी महिमा हम श्रद्धा से गाते हैं, कहते हैं सिद्धि विनायक, सिद्धि विनायक। ये विनायक कौन है? सिद्धि सदन, सिद्धि का घर है। समस्त सिद्धियों का आवास है विनायक। और मैं केवल आपकी श्रद्धा को बहलाना नहीं चाहता, मैंने फिर एक बार निमंत्रित करूं, आप भूल जाएं तो बार बार इसको टैप करके सुनना। आरंभ में मैंने जो विनायक के अर्थ किए, इसी अर्थ में जो विनायक को हम हमारे हृदय में स्थापित करें, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ समस्त सिद्धि के में हमारा निवास। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, गज बदन, आप गजानन है, आपका आनंद, आपका मुख हाथी का है। इसके पीछे भी कितनी कितनी सुंदर कथाएं तो हैं, कुछ रूपक है, कुछ कुछ है, लेकिन उसका सात्विक और तात्विक अर्थ कितना अद्भुत होता है। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, हे विनायक आप कृपा के सागर हैं। देखो हमारे यहाँ सात सागर है, मुझे सातों का नाम नहीं आता, जितना याद आए बता दूँ। कहते गन्ने के रस का सागर है, क्षीर दूध का सागर है, दही का है, मध का है, ऐसे ऐसे सप्त सागर का वर्णन है हमारे यहाँ।
खारे जल का है, मीठे जल का है। लेकिन एक सागर ऐसा है जो कृपा से ही भरा है, कृपा के सिवा इसमें और कुछ नहीं। कृपा सिंधु शब्द जहां जहां लगा वहीं समझना, करुणा सिंधु, कृपा सिंधु। हे गणेश जी, हे भगवान गणेश, आप कृपा के सागर हैं। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, आप सुंदर हैं। मैंने फिर एक बार निमंत्रित करूं शुरुआत में विनायक के जो जो अर्थ आपके सामने प्रस्तुत किए तलगा जरड़ा के कोने से, ऐसा यदि विनायक का स्वरूप हमारे हृदय में हो तो समझना सब लायक, सबके लिए आप लायक है, योग्य है। एक गणेश, एक राम, पुनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। आपके चरण कमल, तुलसी कहते हैं प्रभु राम सबके लायक, वैसे गणेश सबके लायक। आज की बोली में उसको डालूं तो लोग कहते हैं ना भाई, किसी ने कुछ मैसेज डाला, ट्वीट किया, कोई अच्छा गाना किया, तो कितने कितने लोगों ने लाइक किया, 1000 लोगों ने, 2000 ने, 5000 ने, लाख ने, दो, इतने लोगों ने लाइक किया। मेरा गणेश वो है सब लायक, कोई माई का लाल बचता नहीं, उसको सबको लाइक करना पड़ता है। वैरी भी उसकी बड़ाई करेगा, जो पहले मैंने वर्णन किया इसी अर्थ के विनायक का। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। संक्षेप में आगे गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, मोदक प्रिय मुद मंगल दादा। आपको मोदक बहुत प्रिय है, मोदक का अर्थ है लड्डू, इसलिए हम लड्डू का भोग लगाते हैं हनुमान जी को, गणेश जी को। आपको मोदक बहुत प्रिय है, चलो भाई ये तो सबकी अपनी अपनी रुचि है, किसी को लड्डू बहुत प्रिय हैं, किसी को गुलाब जामुन, किसी को रसगुल्ला, किसी को फला, किसी को फला, अपनी अपनी रुचि। गणेश जी को मोदक प्रिय है, लेकिन मोदक शब्द, मोद माने लड्डू भी, मोदक का अर्थ, मोद का अर्थ है आनंद। जो मोदक है, जो जगत में आनंदक है, लोग कहते ना भाई इस समाज में दो आदमी विचारक है, विचारक, दर्शक, संशोधक। आपको ऐसे मोदक लोग ज्यादा प्रिय है, जो आनंद देने वाले है, आनंद रूप है। ऐसी घटना, ऐसी व्यक्ति, ऐसा काल, ऐसा देश आपको प्रिय है। लड्डू तो प्रिय है ही,
दूसरों को मोद देने वाला, दूसरे को प्रसन्नता प्रदान करने आपको प्रिय, मोदक प्रिय, मुद मंगल दाता। मुद का अर्थ भी प्रसन्नता, मंगल मानी शुभ, आप प्रसन्नता और मंगलता के दाता है, यही तो आपका मोदकपना है। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विदाता। विद्या के आप सागर है, कृपा के भी सागर है और विद्या के भी सागर है और बुद्धि विदाता, अब बुद्धि के विदाता। गणपति जी एकदम तुलसीदास जी के विनय के विनय को सुनकर जब ये पंक्तियां सुन रहे थे तो गणेश जी ने कहा कि मुझे कई कार्यों का मंगल श्री गणेश करना है, गोसाई जी जल्दी बताओ कि इतने मेरे गुणों का संकीर्तन करके आप चाहते क्या है। तो कहते मागत तुलसीदास कर जोरे, मैं हाथ जोर कर मांग रहा हूं। अब देखो ये कभी हमने सोचा भी नहीं होगा, कभी हम इस दृष्टि से सोच ही नहीं करते, ये तो गुरुमुख के बिना संभव नहीं। मुझे कभी कोई बहुत आदर के साथ संकेत करते हैं, बापू इस विषय पर आप कभी बोलिएगा, इस प्रसंग पर बोलिए, तो मेरा एक सीधा साधा जवाब होता है कि गुरु प्रेरणा करेंगे, गुरु जब टच करेंगे, गुरु जब कृपा करेंगे तो बोल सकूंगा, बाकी क्या बोलूं। हाँ जरूर मांगने की बात आती है तो जब हम किसी से क्षमा मांगते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, कर जोरे हाथ जोड़ते, ठीक है, लेकिन आप मांग इसीलिए रह रहे हैं कि आपको कुछ चाहिए, और आपको कुछ चाहिए तब आप हाथ जोड़ दोगे तो वो देगा तो भी टिकेगा कैसे, रहेगा कैसे। इसलिए तो मांगने वालों को तो हाथ ऐसे रखना चाहिए, खुले रखने चाहिए कि हमें दो। तुलसी की याचना बड़ी विशिष्ट है, वो हाथ जोर कर मांग, ये भारतीय पद्धति है। कोई सांसारिक वस्तु हमें चाहिए तो हम हाथ फैलाते हैं, हम तो हाथ जोर करके, फैला था वो ही हमने जोड़ दिए, बंद कर दिए। मांगत तुलसीदास कर जोरे, तो कहा महाराज आप मांग रहे हैं हाथ तो नहीं फैला रहे, हाथ जोर दिए तो आपके हाथ में मैं क्या डालू। तुलसी ने कहा मुझे मेरे हाथ में कुछ चाहिए था तो तुम्हें हाथ खुला रखता, मैंने जोर दिए, आप तो विद्या वारिधि है बुद्धि विधाता है, आप अर्थघटन कर लीजिए। मुझे कोई और चीज नहीं चाहिए, चाहता तो हाथ खुला रखता, मैंने जोर दिए, इसका मतलब मेरे हाथ में कुछ मत दो, मैं करजोर कर आपके सामने याचना करता हूं, हाथ फैला कर नहीं। तो बोले क्या, बसहु राम सिय मानस मोरे, मुझे मेरे हाथ में कुछ मत दो, मेरे हृदय में सीताराम को दे दो। मैं हाथ जोर कर खड़ा हूं, मांग नहीं रहा हूं, मुझे दो और ऐसी चीज दो जो मेरे हाथ में नहीं समाएगी, मेरे हृदय में रहेगी। बस ही राम राम सिय मानस मोरे, मेरे हृदय में
सीताराम निवास करे, मैं महसूस करती सिर। ऐसे गाइए गणपति जग वंदन, शंकर सुवन भवानी। बहुत बोलने की इच्छा हो रही साहब। कई बार बोला भी हूँ, आज तो बिलक ढंग से बोला हूँ, लेकिन मुझे गणेश की वंदना में आज कहना था, उसका पेट बहुत बड़ा है, उसका नाक बहुत बड़ा है, जिसके कान बहुत बड़े हैं और दो वस्तु बहुत छोटी है, आँख और वाहन, ये बहुत चूहा, इतना बड़ महाकाय गणेश और वाहन बिल्कुल छोटा, और इतना बड़ा विश्वनायक। जगत वंद्य नायक, आंखें बिल्कुल छोटी, इन सब का अर्थ करने के लिए मन रहता है। थोड़ा थोड़ा कभी कथाओं में किया भी है, लेकिन आज तो इतने में ही ज्यादा समय हो गया। मैंने आपके सामने गुरु कृपा से जो विनायक का रूप स्वरूप प्रस्तुत किया, उसके बारे में आप सोचिएगा, वो विघ्नों के नायक है। आज की विनायक चौथ को हम पूरे सभी भारतवासी भाई बहन, भारत के लिए और विश्व भर के लिए, जो विघ्नों के नायक है, जो विघ्नों को हटा देता है, विघ्नों पर जो कंट्रोल करता है, चाहे उसको हटा दे, निष्कासित कर दे, ऐसा जिसमें सामर्थ्य है, ऐसे गणेश जी को इस रूप में हम उसका पूजन यजन करें। और गणेश की मूर्ति भी गजब है, गजब है। कभी कभी पिता के लक्षण, पिता के स्वभाव शील बहुत मात्रा में संतान में आता है। शंकर जी के लसद भाल बालेंदु, मौली कल्लोलिनी चारु गंगा, लसद भाल बालेंदु, कंठ है भुजंगा भाल बालेंदु। और गणेश में ये लक्षण आया, गणेश के लिए भालचंद्रो गजानन, भालचंद्रो, ये तेजस्विता, ये शीतल प्रकाश बेटे में भी उतरा, शंकर सुवन विनायक में भी उतरा। ऐसे सब लायक जगत वंद्य गणेश जी के विनायक चौथ के दिन हम सब उसके चरणों में उसका गुण संकीर्तन करते हुए प्रणाम करें। आज के संवाद को विराम दूं इससे पूर्व, श्री हनुमान जी और गणेश जी, जिसकी चर्चा मैंने कई बार कही है, उसी का एक भाव दिखा करके पूरा करो। श्री हनुमान जी और गणेश जी दोनों विघ्नहर्ता है, पवन तनय संकट हरण, दोनों संकट मोचन मोचक है,
गणेश भी हनुमान जी भी, दोनों शंकर सुवन हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, दोनों शंकर सुवन हैं। दोनों को सिंदूर प्रिय है। दोनों मंगल मूर्ति है, मंगल मूर्ति मारुत नंदन। और पूरा महाराष्ट्र, पूरा सब कोई गणेश जी को मंगल मूर्ति कहकर पुकारते हैं। रामचरितमानस में तो भगवान राम भी मंगल मूर्ति है। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। दोनों यज्ञोपवीत धारण करते हैं। हनुमान जी रुद्रावतार है, मूलतः शिव है, इसके बाल में भी चंद्र है, तो यहाँ गणेश के बाल में भी चंद्र है। दोनों को मोदक प्रिय है, चूरमा के लड्डू प्रिय है। हमारे सनातन धर्म में जो पांच मंदिर की बात है, गणेश का मंदिर स्वतंत्र हो ये बहुत अद्भुत, लेकिन शिव मंदिर हो, दुर्गा मंदिर हो, राम मंदिर हो, कृष्ण मंदिर हो, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का मंदिर हो, ये हमारे जो 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 देवता हैं, हमारे सनातन धर्म मूल जो हमारी जड़ें हैं उसके मंदिर में आप जानते हैं हनुमान जी और गणेश जी समानांतर बाहर बैठते हैं, दोनों एक साथ बैठे। गणेश जी राम नाम लिखकर दुनिया में प्रथम पूज्य हुए और हनुमान जी राम नाम जपते जपते दुनिया में अग्रगण्य हो गए, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य हो गए। एक को पूंछ है तो एक को सूंड है। और फिर अथर्व शीर्ष का हम स्मरण करें तो कितना बड़ा अद्भुत वर्णन है। इतना अवकाश भी नहीं है। ये दोनों शंकर सुवन, ये भवानी नंदन, वो केसरी नंदन, दोनों विघ्नहर्ता, संकट मोचक। देश और दुनिया पर एक बहुत बड़ा संकट है। ऐसे संकट में, संकट के समय हारे बिना हरि का आश्रय करके हम इन परम तत्व की स्मृति करें। वो विनोदी कथा है ना कि एक आदमी ने एक गणेश जी की मूर्ति बनाने को दी थी, उसने भूल से हनुमान जी की मूर्ति बना दी। तो ग्राहक गया, मैं कहा कि मैंने तो गणेश जी की मूर्ति बनाने को कहा, आपने तो हनुमान जी की बना दी, और कहा थे पलाठी लगाकर बैठे हो, ऐसी मूर्ति बनाना, ऐसी बना दी। लेकिन गणेश जी की कही थी और बनाई हनुमान जी की। उसने कहा साहब हमने क्या ऑर्डर दिया था, आपने क्या किया? तो बोले एक घंटे के बाद आओ ना, हो जाएगा सब।
ठीक है, एक घंटे के बाद आया, बनानी थी गणेश की मूर्ति, बना दी हनुमान जी की। जब वो घंटे के बाद आया तो हनुमान जी के पीछे जो पूंछ बनाई थी वो पूंछ लेकर यहाँ जो गणेश बनवाना था ना, तो हनुमान जी की मूर्ति बन गई। तो पूंछ लेकर थोड़ा परिवर्तन करके वो पूंछ निकाल करके हनुमान जी के चेहरे के पास थोड़ा परिवर्तन करके पूंछ आगे लटका दी, वो गए गणेश। हनुमान पूंछ वाला है, इसके इसका मतलब है कुछ लोग आगेवान ऐसे होते संसार जो पूछने योग्य होते, उसको पूछ पूछ कर काम किया जाता। और गणेश भी ऐसे कि जिसको प्रथम याद करके हम शुभारंभ करते हैं। आज इतनी ही हरि कथा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। और मैं, मुझे स्मरण आ रहा है इसलिए कह दूं कि मैंने जिंदगी में कभी चोरी नहीं की साहब। हाँ, मैंने जो जो बचपन में एक बार बीड़ी पी, एक बार तंबाकू खाई, ये जो जो मैंने आत्मनिवेदन में कहा है, एक बार चोरी की, और वो हमारे पुराने राम जी मंदिर में गणेश की मूर्ति थी, वो मैंने चुरा ली थी, मुझे बहुत प्रिय लगती थी, चुरा ली थी। और ये स्मृति आई तो अंदर तो नहीं रख पाया कि मैंने गणेश जी की मूर्ति चुरा, प्रिय थी इसलिए चुरा ली। अरे हमारा घर, ये पुराना घर आज भी जो है वहाँ, वो तो मंदिर की दीवार से सटा हुआ, फर्क क्या पड़ता। मैंने मन को मनाया गणेश जी वहाँ रहो कि दीवार के इधर रहो, फर्क क्या पड़ता है। ऐसे अपने मन को फुसलाते हुए गणेश की मूर्ति मैंने चुरा ली थी राम जी मंदिर। मुझे आज हंसी आती है उसकी। तो फिर बहुत उद्वेग रहता था कि हमने ये क्या किया, हमने ये क्या किया। चोरी तो महापातकों में गिनी जाती है। हमने दादाजी को कहा, दादा हमें माफ़ कर दीजिएगा, मैं ये मूर्ति फिर मंदिर में रख देता हूँ। बेटा क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा मैंने मूर्ति चुरा ली, आरती करके निकला मंदिर बंद करते करते, तो मैंने ये मूर्ति उठा, छोटी सी थी साहब, मेरी दृष्टि में बसी हुई। 3 दिन तो बा मुश्किल निकाले मैंने, दादा को कहा दादा मैं रखाता हूं। ठीक है बेटा रख दो भाई, मैंने रख दिया, जहां था वहां रख दिया। फिर लौटा तो दादा ने कहा बेटा गणपति विवेक के प्रतीक है, विवेक चुराया नहीं जाता, गुरु कृपा से प्राप्त होता है, विवेक की मूर्ति चोरी नहीं जाती। अस विवेक जब देखी विधाता। कोई ऐसा संत मिल जाए, बुद्ध पुरुष मिल जाए, जो हमें अनुग्रह करके दान में विवेक प्रदान करे, विवेक चोरा थोड़ा जाए। मुझे याद आया इसलिए आपको बोल दिया। खुश रहो बाप, खुश रहो। कर फिर कल फिर मैं आपकी सेवा में आऊँगा। आज आप सभी से विदा ले रहा हूँ, सभी को मेरा प्रणाम। जय सियाराम।